अस्सलाम वालेकुम। सियाल हेल्थ टिप्स चैनल के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज फिर एक कमाल का नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाले नुस्खे से आप फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आप मोटापे का शिकार हैं या आपको शुगर का मर्ज़ है या आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, इन सब बीमारियों के लिए डॉक्टर्स सबको सेब खाने का मशवरा ज़रूर देते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग सेब इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उन्हें सेब के फ़ायदे के बारे में पता ही नहीं होता। इसलिए आज की वीडियो में आपको सेब इस्तेमाल करने के 12 फ़ायदे बताऊंगा। पहले नंबर पे है मोटापा। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आप सेब का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि सेब में बहुत से विटामिन मौजूद होते हैं। ये आपके जिस्म की चर्बी को ख़त्म करके आपको फिट और सेहतमंद बनाते हैं। अब नंबर 2 पे है कोलेस्ट्रॉल। सेब के अंदर सोल्युबल फाइबर मौजूद होता है जो कि आपके खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल करके आपके जिस्म से बाहर निकाल देता है। ये आपके शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। नंबर 3 पे है हाई ब्लड प्रेशर। सेब के अंदर ख़ास किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में आपकी मदद करते हैं। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को सेब का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब नंबर 4 पे है हार्ट हेल्थ। रोज़ाना सेब इस्तेमाल करने से आपका दिल सेहतमंद रहता है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप सेब का इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं तो आपको हार्ट अटैक और दिल के अमराज होने के ख़तरात तकरीबन 50% कम हो जाते हैं क्योंकि सेब इस्तेमाल करने से दिल के अमराज पैदा होने की तीनों वजूहात यानी हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शरीयानों का तंग होना, ये तीनों ख़त्म हो जाती हैं। अब नंबर 5 पे है न्यूट्रिशन टेंस। सेब के अंदर विटामिन A, B, C, D, E और कॉपर पोटाशियम के अलावा ऐसे ताकतवर कंपाउंड भी पाए जाते हैं जो सेब के अलावा दूसरे फलों में कम होते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के डॉक्टर्स आपको सेब का इस्तेमाल लाजमी करवाते हैं। अब नंबर 6 पे है हाजमा। हाजमे का शिकार अफराद सेब का इस्तेमाल लाजमी किया करें, इसलिए सेब का इस्तेमाल करने वाले बदहज़मी का शिकार नहीं होते। खाया गया खाने को सेब जल्दी हज़म करता है और उसके बाद सब आपके मैदे को भी ताकत देता है और गैस वगैरह भी ख़त्म करता है। अब नंबर 7 पे है सांस का मसला। सेब आपके फेफड़ों को डैमेज होने से बचाता है। सेब के रेगुलर इस्तेमाल से आपके फेफड़े सेहतमंद रहते हैं। अगर आपको दमे का मसला है और सांस रुक कर आता है तो आप सेब का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अब नंबर 8 पे है शुगर के मर्ज़ से बचाओ। एक्सपर्ट की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आप रोज़ाना सेब का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जिस्म से डायबिटीज़ के ख़तरात 20% कम हो जाते हैं। इसलिए शुगर के मर्ज़ से बचने के लिए सेब का इस्तेमाल लाजमी करें। अब नंबर 9 पे है ब्रेन प्रॉब्लम। सेब को इस्तेमाल करने से आपका रिलैक्स रहता है ब्रेन। इसके अलावा सेब के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपके दिमाग को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। सेब इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपके दिमाग को ताकत मिलती है बल्कि उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमाग में जो बीमारियां पैदा होती हैं जैसे कि याददाश्त की कमज़ोरी, दिमाग में दर्द वगैरह का रहना, सेब के इस्तेमाल से आप इन तमाम बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। नंबर 10 पे है जल्द। सेब इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आप जवान नज़र आते हैं बल्कि आपकी जल्द को भी फ्रेश और साफ़ रखता है। अब नंबर 11 पे है इम्यून सिस्टम। सेब आपके जिस्म में मौजूद गुड बैक्टीरिया की खुराक है। सेब इस्तेमाल करने से गुड बैक्टीरिया को ताकत मिलती है, जिसकी वजह से आपका सारा जिस्म महफूज होता है। सेब के इस्तेमाल से आप और कई बीमारियों से महफूज रहते हैं, जैसा कि जिस्मानी कमज़ोरी, दिल के अमराज, डायबिटीज़, कैंसर और भी कई बीमारियों से महफूज रहते हैं। अब नंबर 12 पे है एंटी कैंसर प्रोटीन। सेब के अंदर ख़ास किस्म के कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ अक़साम में कैंसर जैसा कि लीवर कैंसर, लिम्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। सेब के इस्तेमाल से इन सब बीमारियों से बचने में मदद करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सके। इसके साथ ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और देखते रहें सियाल हेल्थ टिप्स चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।